चलिए दोस्तों शुरू करते हैं रामकृष्ण परमहंस का प्रेरक प्रसंग, एक लोटा पानी। रामकृष्ण परमहंस केशव चंद्र सेन के घर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें प्यास लगी, पानी मांगा। केशव ने कहा, बस अभी घर आ रहा है, थोड़ी देर है। घर आया, घर में जाते ही केशव चंद्र सेन ने नौकर को आदेश दिया कि पानी लाओ। नौकर जग साफ करके पानी भर लाया। रामकृष्ण का चित्त तो अत्यंत स्वच्छ था, उनकी बुद्धि शुद्ध थी। शुद्ध बुद्धि में सब ठीक दिखाई देता है। रामकृष्ण उसे देखते ही मुंह मोड़ लिया। नौकर को डांट पड़ी, जाओ फिर से स्वच्छता से भर कर ले आओ। नौकर फिर से जग और गिलास ठीक से मलकर पानी भर लाया। रामकृष्ण पीने के लिए पानी में निहारा, प्यास तो खूब थी मगर मुंह मोड़ लिया। तीसरी बार भी वही हुआ। रामकृष्ण उठकर चल दिए। गुरु घर पर आते हो, प्यासे हो और शिष्य कहता हो कि गुरुजी अभी घर आया, अभी घर आया। घर आने पर शिष्य उन्हें पानी दे और गुरुजी पानी को अस्वीकार करके वापस चले जाएं, तो शिष्य के मन में क्या गुजरती होगी। मौका पाकर केशव चंद्र सेन ने गुरुजी को रिझाकर पूछ लिया, गुरुदेव आप इतने प्यासे, रास्ते में दो तीन बार पानी पीने की याद दिलाई और फिर जब पानी आपके आगे लाया गया तो आपने मुंह मोड़ लिया, तीन बार पानी को अस्वीकार किया, हमसे क्या गलती हो गई। रामकृष्ण, केशव जाने दो उस बात को। केशव, गुरुदेव कृपा करो, मैं इस संदेह को मिटाना चाहता हूँ। रामकृष्ण, जग तो मांझा हुआ था, देखो अपने नौकर को डांटना मत। वह नौकर सचरित्रवान नहीं था, क्रूर था। उसके हाथ से पानी आने से, पानी में उसकी निगाह पड़ने से अशुद्ध हो गया था। मैं प्यासा मरना कबूल करता हूँ मगर मेरी साधना बिखर जाए यह मुझे कबूल नहीं। प्यास जोर करेगी, शरीर मिटेगा तो एक बार मिटेगा, मगर मेरी साधना का अगर बिखर जाएगी तो न जाने मुझे कितनी बार मिटना पड़ेगा। साधक को भगवत तत्व का, साधना का रस मिलता है। वातावरण और सत्संग के संयोग से कुछ ऊंचाई आती है, फिर उसे लगता है कि कुछ खो दिया। ऐसा क्यों? हम लोग आहार व्यवहार का ख्याल नहीं रखते और साधना को बिखेर देते हैं। साधु पुरुष का संग जीव को उद्रोगामी बनाता है, जबकि विषय पुरुषों का संग अधोगामी बना देता है। जो साधक है, पवित्र लोग हैं, वे भी अगर विषय और विकारी लोगों के बीच बैठकर भोजन करें, विषय पुरुषों के साथ हाथ मिलावें, उनकी हाँ में हाँ करें, तो साधक की साधना क्षीण हो जाती है, साधक के सात्विक परमाणु नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे एक लोटा पानी, जो कि रामकृष्ण परमहंस का प्रेरक प्रसंग था।